हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास टेंथ साइंस से जो आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो अब जो मैंने कि आपको सैम्पल पेपर कंप्लीट करा दिया, उसके बाद जो है आप सारे डायग्राम वाले क्वेश्चंस रिवाइज कर लो। इट मीन्स आपको डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार डायग्राम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कई बार नहीं भी आते हैं। जैसे 8th क्लास में कोई डायग्राम का क्वेश्चन इस बार नहीं आया, पर 10th में तो ज़्यादातर आ ही जाता है। तो इसलिए आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। एक दिन बैठ के आप सारे डायग्राम वाले कर डालो, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1, जैसे कि आपको पता है, अगर कोई बच्चा पंजाबी मीडियम का देख रहा है तो बेटा चैप्टर सेम है, डायग्राम सेम है, तो आप जो है एडजस्ट कर लेना। पंजाबी में मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपको पंजाबी में नहीं डिक्टेट कर सकती, मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपकी बुक सेम है एंड सेम आपकी बुक है, ठीक है, बस यहाँ इंग्लिश प्रिंटिंग है और आपकी पंजाबी प्रिंटिंग है, तो आप वहाँ से डायग्राम वगैरह के बारे में समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से। और बेटा जो न्यू सेशन में बच्चे आ रहे हैं उनको जरूर कहना हमारा चैनल सब्सक्राइब करने को, क्योंकि हम जल्द ही सारी ये बुक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाएंगे और साथ ही सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, सब कुछ पूरे साल में ख़त्म कराएंगे 8th और 10th के। तो उनको हमारे चैनल को सजेस्ट करना ताकि वो पूरा साल अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये वाला डायग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, कई सैंपल पेपर में भी आप देखोगे। यहाँ पर देखो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी होगा कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर ऐश फॉर्म हो रही है, आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ व्हाइट कलर का पाउडर निकल रहा है, कि ये किस चीज़ की ऐश है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप पढ़ोगे, सारा कुछ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या है, यहाँ पर अब कई बार आ जाते हैं कि इसकी रिएक्शन लिखो, तो आपको रिएक्शन लिखनी होगी कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाद में इसको जो है आपने बैलेंस कर देना है, ठीक है। बैलेंस करना तो अभी तक आप सीख गए होंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम आने वाले हैं 15 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट, ये डायग्राम के बाद यहाँ पर आता है, मैं आपको सीधे उसी डायग्राम के पास, ये चैप्टर 1 का भी बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम कई बार आ जाता है और इसमें पूछते हैं ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। साथ ही आपको इसकी रिएक्शन भी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला डायग्राम भी कई बार आ जाता है, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि किस टाइप की रिएक्शन है और इसमें किस के साथ कौन सी रिएक्शन हो रही, तो इसकी रिएक्शंस ये हैं और ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये टॉपर्स बच्चे को कह रही हूँ कि सारा छोड़ के मत जाना। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला डायग्राम था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब देखो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि ये जहाँ पर ये हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है इसको मिसिंग कर देते हैं और यहाँ पर नंबर 1 डाल देते हैं, यहाँ पर नंबर 2 कहीं भी डाल देते हैं, ठीक है। और आपसे पूछते हैं कहां पर कौन सी गैस है, या तो आपको यह पता होना चाहिए या फिर ये जो एनोड और कैथोड है इसको मिसिंग कर देते हैं, तो इसको आपको देख के पहचानना होगा। या फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आएगा, जो आपके एक्टिविटी क्वेश्चंस यहां पर दिया हुआ है, यहां पर देखो ये ब्लू प्रिंट्स में आपको ये क्वेश्चन दिया है ना, या तो ये क्वेश्चन आएगा कि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, ठीक है। तो ये डायग्राम कर लेना आप, ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगला डायग्राम जो चैप्टर 1 से है, ये वाला, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है, और सिल्वर और क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का ये डायग्राम, ये क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन भी पता होनी चाहिए आपकी। तो इसके रिएक्शन कहाँ है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन ये वाली, ठीक है। ये रिएक्शन की आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट और क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, कॉपर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपके चैप्टर 1 का डायग्राम। एक डायग्राम ये भी कर ही लेना, इसको छोड़ना मत, कई जगह मैंने देखा हुआ इसको, ये वाला, कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर के साथ, कॉपर और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 में ये वाला डायग्राम कई बार आ जाता है और इसकी रिएक्शन आपसे पूछते हैं, तो इसकी रिएक्शन बुक में भी नहीं दी हुई है, तो आप जरूर कर लेना इसकी रिएक्शन। इसकी रिएक्शन है, यहाँ पर आपके है जिंक, उसके बाद इसके अंदर मिलाया है सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4,
उसके साथ क्या बनेगा, जेड एन एस ओ फोर प्लस एच टू, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी कई बार जाती है, कई बार सिर्फ ये पूछते हैं कि ये जो पॉप साउंड हो रहा है तो यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही, तो पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ये क्वेश्चन ही है, तो इसको भी कर ही लेना, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो आपको बेसिक पता होना चाहिए इसका, ये याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सेवन न्यूट्रल होता है, सेवन से कम एसिड होता है, सेवन से ज़्यादा क्या होता है, बेस होता है। ये भी याद कर लेना है कि आपको मैं बीच बीच में चैप्टर के बीच में से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए वो भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी, पहले आज आप इसको ख़त्म करना, ठीक है, कि ये सारे पॉइंट्स भी आप लर्न कर लेना, किसका पीएच कितना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर थ्री, चैप्टर थ्री से कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चंस तो नहीं आता है, आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर फोर पे। ये आ गया चैप्टर नंबर, आगे है ये चैप्टर नंबर फोर, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर नंबर फोर से अगर डायग्राम, ये तो जो है स्ट्रक्चर वगैरह तो आता ही है, वो तो अलग बात है, अगर हम डायग्राम के क्वेश्चंस की बात करें तो एक डायग्राम इसमें से आता है, वो मैं आपको बताती हूँ, ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये कई बार डायग्राम बना हुआ आ जाएगा और आपको पूछेंगे किस चीज़ का डायग्राम हो, आपको पता होना चाहिए कि किसकी फॉर्मेशन है, मिसल्स की फॉर्मेशन है, ठीक है। और दूसरा, इसका कई बार ये वाला डायग्राम सिर्फ बना हुआ आ जाता है और आपसे पूछा जाता है इसका नाम लिखने को और इसका नाम लिखने को, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। दूसरा और कौन सा डायग्राम आ जाता है, कई बार ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको नंबर वन दे देते हैं और इसको नंबर टू दे देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सॉप मॉलिक्यूल्स और ये बीच वाले को ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। बस इसमें से इतना ही आएगा, चैप्टर फाइव से जो है कोई डायग्राम वाला क्वेश्चंस नहीं आता है, चैप्टर फाइव में कोई डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर सिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से डायग्राम कोई भी आ सकता है, इसलिए इसके तो डायग्राम छोड़ना ही मत, इसकी मतलब ये बनाना भी आना चाहिए। अभी तक तो मैंने सिर्फ बताया कि डायग्राम देते हैं और उसके क्वेश्चन, इसके तो डायग्राम आपको बनाने को भी आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए डायग्राम बना के भी इसकी प्रैक्टिस करना है। स्टोमेटा, स्टोमेटा के बारे में पता होना चाहिए, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा और स्टोमेटा का डायग्राम भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, सबकी प्रैक्टिस भी बनाने की भी होनी चाहिए, कुछ भी बोर्ड वाले कर सकते हैं, आपको इसका डायग्राम भी बनाने को आ सकता है, वैसे तो शायद दो नंबर का ही क्वेश्चन आना है चैप्टर से, बट फिर भी अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना और इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से याद कर लेना, कई बार सिर्फ लेबलिंग ही आ जाती है, ठीक है। और कई बार ये एक्टिविटी आ जाती है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जब पिचकारी से इसमें हम लाइम वाटर में डाल रहे हैं एयर, तो वो जो है मिल्की कलर नहीं हो रहा है, जब हम अपने सांस के थ्रू इसमें डाल रहे हैं गैस, तो वो कौन सी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लाइम वाटर को क्या कर दे रही है, मिल्की कर दे रही है, ठीक है। तो बहुत फास्ट मैं इसलिए बता रही हूँ कि वीडियो बड़ी ना हो आपकी और जल्दी जल्दी आपको मटेरियल मिल जाए। ये फ्लो चार्ट भी आपका लेना, ये भी कई बार आ जाता है और कोई भी एक चीज़ इसमें मिसिंग कर देते हैं और आपसे पूछते हैं, ये डायग्राम कर लेना लेबलिंग के साथ। सिक्स चैप्टर के तो डायग्राम कोई मत छोड़ना, हार्ट का डायग्राम भी मत छोड़ना, कुछ ही नहीं पता बोर्ड वालों का, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम ये भी कर लेना, लेबलिंग भी और बनाने भी, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर सिक्स, आ जाते हैं चैप्टर सेवन पे। चैप्टर सेवन में अगर डायग्राम करना है तो न्यूरॉन का कर लेना अच्छे से, ठीक है। और वैसे इसमें से और कोई डायग्राम तो पूछा नहीं जाता है, सिर्फ न्यूरॉन ही ऑलमोस्ट आता, तो न्यूरॉन आप अच्छे से कर लेना। अच्छा, एक ये भी कर लेना, कई बार आपसे पूछ लेते हैं ये क्या शो कर रहा है, ये फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर जिन्होंने समझा होगा उनको सारी चीज़ें पता लग रही होगी। अच्छा, ये डायग्राम इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाता है डायग्राम और यहाँ पे इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से आ जाए, इसको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, इसकी लेबलिंग आपको पता होना चाहिए। लेबलिंग दे देते हैं यहाँ पर, मिसिंग कर देते हैं कोई भी ग्लैंड और आपको वो ग्लैंड पहचान के लिखनी होती है, ठीक है।
आप चैप्टर 8 पे आ जाते हैं। चैप्टर 8 से तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है, इसमें तो सारे डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन के साथ करने ही करने हैं, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वैसे वीडियो बना रखी है, बट जिस हिसाब से 12th के पेपर आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं थोड़े से, तो उस हिसाब से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन और ऐड करा दूंगी। पहले जितने आपको मैंने लॉन्ग बताए वो जरूर कर लेना। इस चैप्टर से ये वाला डायग्राम आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो एक्स एक्स और एक्स वाई यहाँ पर फीमेल और मेल लिखा हुआ है ना, तो ये इसको मिसिंग कर देते हैं और आपसे पूछते हैं कि मेल और फीमेल कौन सा है। बस फ्री के दो नंबर होते हैं इसमें, तो आपको पता ही है कि जहां पर एक्स एक्स है वो फीमेल है, जहां एक्स वाई है वो मेल है, ठीक है। और यहां से कोई डायग्राम नहीं आता है। आगे आ जाते हैं हम, ये कई बार ये भी आ जाता है, आपको पता होना चाहिए ये कौन से ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है, और ये यहाँ पर एनालोगस, ठीक है, इनको पहचान होनी चाहिए। अच्छा ये भी करें ना, मैंने सैम्पल पेपर्स में कहीं देखे थे ये, पिछले सैम्पल पेपर्स में, कि ये फॉसिल्स आ जाते हैं और इनकी पहचान करके आपको लिखनी होती है कि कौन सा फॉसिल है ये। चैप्टर 10 में तो रे डायग्राम मत छोड़ना, रे डायग्राम ही आना है आपको चैप्टर 10 में, ठीक है। ये रहे आपके रे डायग्राम, ये रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए। मैंने इसकी सारी एक एक डायग्राम बना के वीडियो बनाई हुई है, बट अब इतना टाइम नहीं है आपको, साइन कन्वेंशन पढ़ लेना। अब तो आप जो है वन शॉट वीडियो देखो, किसी की भी मिल जाए आपको चैनल पे, वन शॉट वीडियो देखो और एक एक दिन में एक एक चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करो, साथ में क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये लेंस के रे डायग्राम और मिरर के रे डायग्राम चैप्टर 10 में से तो यही कर लेना आप, ठीक है। 11 में आ जाओ, आई का डायग्राम कर लेना, बनाना भी आना चाहिए और लेबलिंग भी आनी चाहिए। बाकी ये मायोपिया और हाइपरमाइटोपिया तो क्वेश्चन के साथ डायग्राम है ही है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद अगला अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये रेनबो वाला क्वेश्चन के साथ डायग्राम जरूर बनाओ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। स्टार ट्विंकलिंग के साथ डायग्राम जरूर बनाओ, तो ये सारे क्वेश्चन डायग्राम के साथ हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के साथ डायग्राम है। चैप्टर 12 में तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही करने हैं। आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13। कई बच्चों के आ रहे थे मैसेज कमेंट कि मैम लॉन्ग क्वेश्चंस समझा दो चैप्टर 12 के, तो जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी आपको चैप्टर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन समझाने की। ये 13 में से देखो आपके क्या आ जाता है डायग्राम, यहाँ से एक तो ये वाला डायग्राम आ जाता है, ठीक है। इससे आपको पूछते हैं कि कौन सा लॉ है ये सैम्पल पेपर में भी है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है ये, ठीक है, उसे मैंने सैम्पल पेपर में आपको पूरा ये समझाया हुआ है। उसके बाद इसमें से अगर डायग्राम हम देखें तो ये आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी मिसिंग कर देते हैं, आपको उसकी लेबलिंग करके भी नंबर मिल जाता है, और कई बार पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है कि राइट हैंड जो रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, वो बनाओ, ठीक है, बताओ। अच्छा ये भी कर लेना आप इस बार, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना, तो मोटर और जनरेटर भी करना, ठीक है। 2-4 साल से हम छुड़वाते थे क्योंकि छोटे क्वेश्चन आते थे, पर अब भी आप कर लेना। कई बार ये डायग्राम बना आ जाएगा और इसको पहचानना होगा, तो ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है जो करंट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। ये थंब रूल मैंने आपको बता ही दिया है इसके बारे में, ये भी आपको मैंने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल आते ही है। यहाँ पर इस मोटर जनरेटर दोनों ही डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 से देखो क्या डायग्राम करना है, छोटा हो गया। चैप्टर नंबर 14 से ये तो आपको पता है कि ये क्या है, ठीक है, 2 मिनट डाउनलोड नहीं हुई थी, यहां से देख दो। अच्छा यहां से ये डायग्राम कर लेना, कई बार आ जाता है ये किस चीज का डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए बायोगैस प्लांट का, इसकी लेबलिंग भी पता होना चाहिए। कई बार डायग्राम आ जाता है और उसकी लेबलिंग भी करनी होती है, उसके बारे में भी पढ़ के जाना पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर डायग्राम करना है, सोलर कुकर का भी डायग्राम कर लेना यहाँ से। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 पर। 15 पे ये तो आपको पता है कि ये क्या है, फूड चैन है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर आपको ट्रॉफिक लेवल है, ये तो आपने क्वेश्चन समझे होंगे, क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो आपको इसका पता होगा, ठीक है। ये फूड वेब है, ये पता होगा। वैसे ये डायग्राम से तो कमी आता है, वो आ जाता है, ट्रॉफिक लेवल आ जाता है कई बार, ठीक है।
ये 15 हो गया, 16 से कोई डायग्राम नहीं होता है। तो ये हो गए हमारे डायग्राम वाले चैप्टर। आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को फटाफट आप शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी करो, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और तभी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट्स बना पाऊंगी। ठीक है, आप लोग देख लेते हो, 400 बच्चे 500 बच्चे देख लेते हैं, लाइक देखो तो उस पर कितने हैं, 24 25। तो इसका मतलब आपको कंटेंट अगर नहीं पसंद आ रहा है तो फिर शायद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ जो भी आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो न्यू सेशन के बच्चों का मैं काम स्टार्ट कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव ए नाइस।